कन्हा नगर परिषद द्वारा 30 अतिक्रमणकर्ताओं को 6 दिसंबर 2020 को दिए गए नोटिस के दूसरे दिन मोरेश्वर खड़से नामक दुकानदार का अतिक्रमण तोड़ने के मामले में कन्हा नगर परिषद बुरी तरह से फंस गई है। इस प्रकरण में एक दैनिक समाचार पत्र में छपी बोगस खबर भी नागरिकों के बीच चर्चा का विषय बन गई, जबकि अभी तक अन्य 30 दुकानदारों के अतिक्रमण को कन्हा नगर परिषद द्वारा छुआ तक नहीं। ज्ञात हो कि राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 44 दोनों छोर पर अतिक्रमण बसा हुआ है तथा कन्हान का साप्ताहिक बाजार भी राष्ट्रीय महामार्ग के दोनों छोर पर अनधिकृत रूप से लगता है, परंतु कन्हान नगर परिषद अध्यक्ष करुणा आष्टनकर एवं सीओ गिरीश बन्नोरे ने किस व्यक्तिगत कारण से दलित मोरेश्वर खड़से का अतिक्रमण तोड़ा है, यह समझ से परे है। मैं मोरेश्वर खड़से बोल रहा हूँ, ये मेरी 10 मांगे है, जब तक ये मांग पूरी होएंगी नहीं मैं अनशन से उठूंगा नहीं। जबकि मेरे मांगे पूरी होएंगी तब बीच में उठूंगा, चाहे 2 दिन लगे, 4 दिन लगे या 10 दिन लगे, पर मैं बैठा ही रहूंगा। इस प्रकरण में मोरेश्वर खड़से के द्वारा श्रृंखलाबद्ध अनशन करने को लेकर पत्र व्यवहार किया गया, जिसमें कन्हान नगर परिषद सीओ के द्वारा कन्हान नगर परिषद की सीमा में अनशन करने को लेकर NOC देने से भी इनकार किया है, जो कि नागरिकों के समझ से परे है। कन्हान मध्ये काही दिवसापूर्वी आमच्या समाज बांधव मोरेश्वर खडसेवर अन्याय करण्यात आला। कन्हान नगर परिषदचे सीओ आणि नगराध्यक्षांनी एक नोटीस दिली त्यांना 24 घंटेच्या पूर्वी आणि त्यांची दुकान तोडण्यात आली, पण त्याच नगर परिषदनी 30 दुकानदारांना नोटीस दिल्या पण त्यांना अद्याप हाती लावण्यात आला नाही, कारण तो दलित मोरेश्वर खडसे असल्यामुळे त्याची दुकान तोडण्यात आली। याच्या विरोधात आम्ही रिसर्च शृंखलाबद्ध अनशनला 17 तारखेला बसणार होतो, पण सीओनी आम्हाला कोविडचं कारण दाखवून दिलेलं आहे, जेव्हा की कोविडमध्ये कोणत्याही प्रकारे एकही माणूस या 2 महिन्यामध्ये 1.5 महिन्यामध्ये इथे दगावलेला नाही, असं असताना सुद्धा हेतुपुरस्पर आपल्या अन्यायाच्या विरोधात बोलण्यालाही यांनी दंडुक्षय पद्धतीने आळा घालण्याची भूमिका सन्माननीय गिरीश बन्नोरे सीओ यांनी घेतलेली आहे। तसंच यांच्यावर झालेल्या अन्यायाच्या विरोधात 10 मागे आहेत, यांनी 10 मागे घेऊन हे अन्याय बसणार होत्या अनशनावर, आणि त्या 10 मागेमध्ये गावातील संपूर्ण 22 होत्या, पण कुठेतरी आपली भ्रष्टाचाराची उघडकीस होईल या भीतीने नगर परिषदनी सीओनी याला परमिशन दिलेली नाही आहे। कुठेतरी या लोकशाहीला दाबण्याची भूमिका घेण्याची पद्धत आहे, याच्यावर आम्ही निषेध करतो। आणि येणाऱ्या वेळेस 1-2 दिवसात जिल्हाधिकाऱ्याशी आम्ही बोलणं करून सांगितलं आम्ही रिस्तर अनशनाला बसणार आहोत। इसमें सच्चाई ये है कि हमने नगर परिषद को इस प्रकार का कोई भी लेटर नहीं दिया अतिक्रमण हटाने के लिए, और जो अतिक्रमण के लिए जो बातें चल रही है, जो पेपर वगैरह में जो छप रहा है, वो सारी बातें बेबुनियाद है। और MECP की तरफ से नगर परिषद प्रशासन को ऐसा कोई भी पत्र नहीं दिया गया कि ये अतिक्रमण यहाँ पे है और इसको हटाइए करके। NBC न्यूज़ के लिए कन्हान से विमल त्रिपाठी की रिपोर्ट।